जी ने लिया है वैक्सीनेशन सेंटर का आपको क्या लगा मतलब कैसा इनिशिएटिव पहले तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं अपने निगम पार्षद गुरमुख सिंह बिट्टू जी का जिन्होंने हर बार की तरह आज फिर कोविड वैक्सीन कैंप लगवाया और जनता को इस महामारी से निजात दिलवाने के लिए इनका बहुत बड़ा योगदान है ये वैक्सीनेशन सेंटर जो बिट्टू जी ने लगवाया है यहाँ पर उससे लोकल्स को बहुत बेनिफिट हुआ और सिस्टम वे में फर्स्ट डोज और सेकेंड डोज दोनों ही लगवाएगी इवन मैंने अपनी सेकेंड डोज आज ही लगवाई है अभी मैं उनका बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करता हूँ कि वो ऐसे जागरूक निगम पार्षद हैं जो हर वक्त जनता के लिए सहयोग में खड़े रहते हैं ट्वेंटी फोर सेवन कोई भी काम हो कैसा भी काम हो किसी वक्त भी काम हो वो हर वक्त जनता के लिए तैयार रहते हैं जैसे कि आप देखते हैं कि लोगों को वैक्सीन नहीं मिल रही आप और वार्डों में जा देखो लोग जनता परेशान है जिनको वैक्सीन नहीं मिल रही और हमारे यहाँ पे आप देख सकते हैं आराम से इजीली वैक्सीन मिल रही है जो कि जनता आराम से आती है और आराम से कोई भीड़ नहीं कुछ नहीं सोशल डिस्टेंस में मिला अपनी वैक्सीन लगवा के जाते हैं क्योंकि ये गरीब बच्चों का स्कूल है जो मतलब लो पॉवर्टी लाइन वाले जो आते हैं तो उनका स्कूल है अभी उनके बहुत से पेरेंट्स ऐसे रह गए हैं जिनको अभी वैक्सीनेशन नहीं हुआ तो हम तो वही बिट्टू जी से दोबारा रिक्वेस्ट करेंगे कि वैक्सीनेशन सेंटर दोबारा बनाया जाए स्कूल के अंदर मैं फिर से उनका धन्यवाद करता हूँ गुरमुख सिंह बिट्टू जी का जो कि अपने क्षेत्र के लिए बहुत अच्छा काम कर चाहे साफ सफाई हो या कोई भी काम हो किसी तरीके का काम हो जो कि जनता की सहूलत के हिसाब से सुनते हैं बिट्टू जी हम तीन दिन से सोशल मीडिया में मैसेज डाल रहे हैं कि इस वैक्सीन सेंटर वन डे का मूविंग है इसके लिए मैम हम लोगों ने बहुत लड़ाई लड़ी है पहले ये सेकंड टाइम लगा है दो बारी बार तील यारहवीं भी, भी लग चुका है पहले हमारे पास कोटा आया था, था थर्टी डोजेस का फिर हमने लिख के दिया एस डी एम फिफ्टी हुआ अभी आज की डेट में सिक्सटी हुआ है तो मैं एक गुजारिश करना चाहता हूँ कि एस को कि फर्स्ट डोज़ की नीड्स ज़्यादा हैं अगर फर्स्ट डोज हम लगाएंगे तब जाके हम दिन के के बाद सेकंड डोज़ वालों को बुलाएंगे। अस्सी उन्होंने राशन की सेवा करी लोगों को ठीक है जरूरतमंदों को जो जैसी सहूलत चाहिए थी उनको उन्होंने पहुंचाया, चाहे वो राशन को लेकर हो या किसी और तरीके की हो या मेडिकल फैसिलिटी की हो कैसी भी मदद हो मतलब कि किसी हर जगह में वो बाखूबी उन्होंने रोल निभाया है जी बहुत ज़रूरी था क्योंकि जो हमारे जो पेरेंट्स हैं वो काफ़ी ऐसे हैं जिनके पास ऑनलाइन वो रजिस्ट्रेशन वगैरह नहीं करा पाते हैं उनके पास मोबाइल वगैरह की इतनी सुविधा नहीं है तो यहाँ पर अगर उनके पास में आ रहा तो वो आराम से बिना रजिस्ट्रेशन के और बिना किसी दूर जाके मतलब खर्चा ना करके जाके पास में आके आराम से लगवा के जा रहे हैं तो हमारे बहुत सारे पेरेंट्स ने लगवाया है और आगे भी वो कह रहे हैं कि आप लगवाएँ ऐसे कैम्प दोबारा होते रहें तो वो फिर और आके लगवाएँ जो रह गए हैं और उम्मीद करता हूं मैं जनता से अपील करता हूं आपके यहाँ के निगम पार्षद जो काम करते हैं उनसे आप कंपेरिजन कीजिए कि उनसे बेस्ट ही हमारे निगम पार्षद गुरमुख से मिट्टु होंगे ऐसा निगम पार्षद पूरे एमसीडी में दो सौ में नहीं होगा जो चौबीस घंटे जनता की सेवा के लिए खड़ा हो धन्यवाद